डियरेस्ट पेरेंट, विजडम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। सो आज हम क्वेश्चन ऑफ द डे 7 AM टू 9 PM डेली क्विज लेके आए हैं, जो क्वेश्चन नंबर बोलता है आपका 102। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन बोल रहा है आपका स्टील रॉड। स्टील रॉड है हमारा, डैट्स 2 मीटर इन लेंथ, 40 mm इन डाया, 40 mm इन डाया। ऑल राइट, सो दैट सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ 70 kN एज शोन इन द फिगर। जैसा फिगर में दिया जा रहा है कि क्या हमारा 70 kN है, क्या हमारा 70 kN है, ठीक है ना। बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द बार दैट शुड बी बोर्ड सेंट्रली फ्रॉम वन एंड, कि टोटल एक्सटेंशन आपका 20% इंक्रीज कर जाए अंडर द सेम बोर फोर्स। ओके, दैट मीन्स व्हेन द बोरिंग इज नॉट डन। ओके, तो कहने मतलब कि आपका एक जो है, मान लीजिए कि ये आपका सर्कुलर बार है, और जब सर्कुलर बार नहीं है, जब बोरिंग नहीं है, तो इस पर 70 kN लग रहा है। क्या लग रहा है इस पर? 70 kN लग रहा है हमारा। जब 70 kN लग रहा है हमारा, तो ऑब्वियसली सी बात है हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि आपका जब नो बोरिंग, जब आपने बोरिंग नहीं किया है, तो आपका जो डेल्टा L1 होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, PL/AE। तो P यहाँ क्या है हमारा, ये 70 kN है हमारा, 70 × L। L हमारा 2 मीटर है, क्योंकि ये कितना दिया हुआ है आपका, 2 मीटर दिया हुआ है हमारा, और 70 kN है, तो 10³ कर दिए हैं, इसको ऐसे कर दो, 10³, और आपका 2 mm में चेंज करेंगे तो 10³, और एरिया जो हो जाएगा π/4 × 40², क्योंकि 40 mm का डाया है हमारा, और E हमारा 2 × 10⁵। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका डेल्टा वन आ रहा है, कितना आ रहा है आपका डेल्टा L1 आ रहा है हमारा, ठीक है ना, कितना आ रहा है हमारा डेल्टा L1 आ रहा है हमारा। अब बोल रहा है आप बोरिंग कर रहे हो, आप अब क्या कर रहे हो, आप लोग बोरिंग कर रहे हो। अगर आप मान लो कि आप सेंट्रली बोरिंग करते हो, क्या करते हो, सेंट्रली बोरिंग करते हो, अगर आप सेंट्रली बोरिंग कर रहे हो कितने डिस्टेंस पे, मान लीजिए कितने डिस्टेंस पे कर रहे हैं हम लोग सेंट्रली बोरिंग हम लोग, ठीक है ना, मान लीजिए सेंट्रली बोरिंग कर रहे हैं हम लोग एक्स डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, डेट मीन्स एक्स के लिए हॉलो हो गया, और आपका 2 - x के लिए क्या हो गया, ये सॉलिड हो गया। फिर भी लोड लग रहा है 70 kN एज पर द क्वेश्चन, और आपका बोल रहा है कि इस टाइम में जो आपका डिफ्लेक्ट इलोंगेशन है वो 20% बढ़ जा रहा है। तो इसका मैं अगर FBDV बना रहा हूँ, अगर मैं इसका FBDV बना रहा हूँ, तो FBDV आपका ऐसे ही बनेगा हमारा कि आपका ये 70 kN हो जाएगा हमारा, और ये आपका क्या आ जाएगा, 70 kN हो जाएगा हमारा, और ये जो है आपका वो क्या हो जाएगा हमारा, आपका ये भी 70 kN हो जाएगा हमारा। ऑल राइट, और आपका ये भी क्या हो जाएगा, 70 kN हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा 2 - x, और ये आपका आ गया x। मतलब जो डेल्टा L2 आएगा हमारा, अगर मान लो A है, B है और C है, तो ये क्या हो जाएगा, A, B और B और C, तो डेल्टा L2 क्या हो जाएगा, डेल्टा L2 AB और डेल्टा L2 BC का सम आएगा हमारा। ऑल राइट, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि डेल्टा L2 जो आया आपका, वो क्या आया हमारा, 70 × 10³ कर दो, किलो है तो, इंटू और एक्स इंटू 10³ mm में, अगर एक्स मीटर ले रहे हैं हम लोग तो π/4। अब देखो ध्यान से, ये आपका बोल रहा है कि आपने क्या किया है, आपने बोर किया है सेंट्रली, बोर किया है क्या, हमने सेंट्रली बोर किया है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर आपका ये 40 है, तो अगर आप सेंट्रली बोर कर रहे हैं, तो बोल रहा है क्या कि टू वाट लेंथ द बार शुड बी बोर्ड सेंट्रली फ्रॉम वन एंड, इस पे फोकस कीजिएगा आप, ठीक है ना। सो क्या बोल रहा है, टू वाट एंड द बोर शुड बी
बोर्ड द बार शुड बी बोर्ड सेंट्रली फ्रॉम वन एंड सो दैट द टोटल टेंशन विल इंक्रीज बाई 20%। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ कि कितने, आपका इसका एरिया क्या होगा, कितने डाया क्या होगा, तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, 40 स्क्वायर है, ये क्या आपका 40 स्क्वायर है, ऑल राइट, ये क्या आपका 40 स्क्वायर है। और अब बोल रहा है हमारा, इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ इनर डाया क्या होगा। अब क्या होगा, इनर डाया ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि आपका यहाँ जो बोर डाया है, आपका बोर डाया ये कितना है, 25 mm है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 25 स्क्वायर, क्या लिखेंगे 25 स्क्वायर, पाई बाई फोर इंटू 25 स्क्वायर और इंटू 2 × 10⁵, 2 × 10⁵, ये डेल्टा 2 आ गया, डेल्टा 2 L3 आ गया। अगर मैं LBC की बात करता हूँ तो ये भी 70 × 10�³ L आ जाएगा, 2 − x, और मीटर में हमने लिया है तो mm आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा पाई बाई फोर इंटू 40 स्क्वायर इंटू 2 × 10⁵। अब एज पर द गिवन क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ कि एज पर गिवन हम क्या देख रहे हैं कि डेल्टा L2 जो है हमारा 1.2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 1 है, क्योंकि बोल रहा है कि 20% इंक्रीज हो जा रहा है हमारा एक्सटेंशन अंडर द सेम फोर्स एंड सेम कंडीशंस। सो ये क्या हो जाएगा, 350x अपॉन पाई बाई फोर इंटू 65 × 15 प्लस 350 × 2 − x, 2 − x डिवाइड बाई पाई बाई फोर इंटू 1600 इज इक्वल टू 1.2 × 400 अपॉन पाई इंटू 1600। सो ऑब्वियसली सी बात है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x आ जाएगा 0.624 मीटर, एक्चुअली सॉरी, इसका ऑप्शंस जो है हमारा वो ऑप्शंस हमने गलत दिया हुआ है, इसका ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, इसका जो ऑप्शन है हमारा वो है 0.46 मीटर, ऑल राइट। ये है आपका कितना, 0.87 मीटर, 0.55 मीटर, ओके, और ये है 0.624 मीटर। इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आ जाएगा डी। सो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, ये कन्वेंशनल भी पूछे जा सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट दिस, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।